दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि हमारे देश के लगभग सभी राज्यों के अंदर ट्रक वालों से वसूली की जाती है एंट्री के नाम पर। और ये जो एंट्री है वो राज्य के बॉर्डर से लेकर उसके जो जिला के बॉर्डर होते हैं वहाँ तक ये जो वसूली है वो नियमित रूप से होती है। सब जिलों के, हर राज्यों के अलग अलग रेट हैं, हर RTO का अपना रेट है, हर राज्य का अपना रेट है और तरीके भी अलग अलग हैं। कहीं पर हर जिले की अलग एंट्री ली जाती है, कहीं पर पूरे राज्य की एंट्री ली जाती है, कहीं पर एक दिन की एंट्री है और कहीं पर पूरे महीने के पैसे इकट्ठे ले लिए जाते हैं। लेकिन कभी कभार ही बड़े स्तर पर ये खबरें बाहर आती हैं। ट्रांसपोर्ट TV के अलावा जो देश के सो कॉल्ड बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं, मेन स्ट्रीम चैनल हैं, बहुत कम कभी खबर उनके ऊपर आती है कि किस तरीके से लगातार अरबों खरबों रुपए की जो वसूली है वो हर रोज ट्रक वालों से की जाती है। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे व्हाट्सएप मैसेज की जिसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर बवाल मच गया है। ये जो मैसेज था ये छत्तीसगढ़ की एंट्री को लेकर था, उसके रेट को लेकर था, लेकिन ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट था वो वहां के लोकल अखबारों में छप गया, जिसके बाद पूरे ट्रांसपोर्ट विभाग में हड़कंप मच गया। तो यही खबर पूरी तफसील के साथ दिखाएंगे आपको आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से संदीप मान, मेरे पास 8 गाड़ियां हैं। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपना इंश्योरेंस गाड़ी कराया था, बहुत अच्छी सुविधा है इनकी, 24 घंटे सर्विस एक्टिवेट रहती है, क्लेम वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी इंश्योरेंस है। मैं आपसे भी कहूँगा ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं। इनका नंबर है 9831 9831 24 घंटे एक्टिवेट है, बहुत अच्छी सर्विस है ट्रांसपोर्ट मॉल की। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 9831 9831 पर, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह है कबीर धाम, वहां पर ट्रक मालिक संघ बना हुआ है और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ दिन पहले ये मैसेज आता है, शंकर पाली नाम का ये व्यक्ति है जिसने ये मैसेज डाला। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ ये मैसेज क्या है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। लिखा है, आप सभी यहाँ कहीं पर भी RTO की एंट्री करा रहे थे, अब वहाँ पर नहीं होगा। जिस किसी को एंट्री कराना हो देवी पाली के पास 1 तारीख से करा सकते हैं। फ़ोन नंबर 9755184913। बाकी बातों के लिए आप फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। फिर एक और मैसेज डाला है इसके साथ ही इसी व्यक्ति ने, अब आप लोग पहले अलग अलग संभागों जैसे रायपुर दुर्ग आदि RTO के लिए अलग अलग एंट्री कराते थे, अब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हो रहा है, उसके लिए आप सब देवी भाई से संपर्क कर सकते हैं। तो इस मैसेज के अंदर शंकर पाली ये लिख रहा है कि पहले आप अलग अलग एरिया की एंट्री देते थे जैसे रायपुर दुर्ग आदि, अब आपको एक ही जगह पर इस फ़ोन नंबर पर संपर्क कर लीजिए और पूरे छत्तीसगढ़ की जो एंट्री है वो एक ही जगह पर आप दे सकते हैं। और इसके लिए बकायदा फ़ोन नंबर जारी किया गया है 9755184913। दोस्तों, ये जो मैसेज था ये इम्पोर्टेंट इस बात के लिए था, एक तो ये था कि अलग अलग एंट्री दी जा रही है, अब एक ही जगह होगी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि जो लोग पहले 5500 रुपये दे रहे थे, अब जो नया रेट था वो 4000 रुपये था। इसलिए ये जो व्हाट्सएप मैसेज था वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, कुछ लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट लिए और अलग अलग जगह पर उसको फॉरवर्ड कर दिया। और इसी तरीके से ये जो स्क्रीनशॉट था इस मैसेज का, इस व्हाट्सएप ग्रुप का, वो प्रेस के पास पहुंचता है और खबर छप जाती है अखबार में और सीधा सीधा पर्दाफाश हो जाता है। जो ट्रांसपोर्ट विभाग में बहुत देर से जो है वहाँ पर वसूली चल रही है उसका सीधा सीधा पर्दाफाश हो जाता है कि किस तरीके से अलग अलग जगह पर ली जाती है और उसके बकायदा रेट तय होते हैं और अब वो रेट कम हो गए हैं। अब दोस्तों, खलबली का कारण एक तो ये था कि ये मीडिया के अंदर आ गया और दूसरी खलबली जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मची वो इस बात को लेकर थी कि पहले रेट 5500 था, अब ये रेट 4000 कैसे हो गया। क्योंकि आप ये समझिए कि जो एंट्री का पैसा है वो जाता तो है ऊपर तक, लेकिन उसके अंदर कई स्तर पर हिस्से होते हैं, किसी को 100 रुपया, किसी को 200, तो किसी को 500 उसके अंदर मिलना होता है। और बड़ा चंक जो है, बड़ा पोर्शन जो होता है वो जो सबका मालिक एक है ऊपर, उसको जाना होता है। वो कौन मालिक है छत्तीसगढ़ के अंदर हमें नहीं पता, लेकिन इसी तरीके से पूरा सिस्टम जो वसूली का जो खेल है वो चलता है। अब यहाँ पर यह हुआ कि जब 5500 से 4000 रेट हो गया और दूसरा कि एक ही व्यक्ति लेगा पूरे छत्तीसगढ़ का, जो है आपको अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें उसका मतलब ये है कि नीचे के जो लोग हैं, कुछ लोगों का जो कमीशन है उसके अंदर वो कट जाएगा।
तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो मैसेज है उसको जानबूझकर वायरल किया गया और प्रेस तक पहुंचाया गया, ताकि कि हमें भी अगर कमाई नहीं हो रही है तो तुम्हें भी नहीं करने देंगे। दूसरा कारण ये हो सकता है। असल में क्या हुआ है हम नहीं कह सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग कहानियां हैं। RTO का एक अलग वर्जन है, वो इस तरीके से शो कर रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, जब ये मीडिया में छपा उसके बाद हमने भी फोन नंबर पर बात की, उसने उनसे हमने रेट पूछा ट्रांसपोर्टर बनकर तो हमें पता चला, तो इस तरीके की कहानी है। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि पहले अगर हर जिला स्तर पर लगभग वसूली हो रही है तो RTO को पता ही नहीं है तो फिर पैसे कौन ले रहा है। तो वसूली का खेल तो हम सब जानते हैं कि ये जो रकम है ये कुछ हजार या कुछ लाख रुपए नहीं है, ये अरबों खरबों रुपए में है। जब हम इसको पूरे साल का पैसा देखेंगे तो ये किसी लोकल लेवल पर या जो छोटे लेवल पर किसी कांस्टेबल या कोई RTO छोटा कर्मचारी उस लेवल पर वसूली नहीं होती है, बड़े लोग होते हैं, RTO के भी ऊपर लोग होते हैं, ये जो पूरा जो मैनेज किया जाता है। ऐसे नहीं है कि नीचे नीचे वाले खा लेंगे, ऊपर वाले को पता ही नहीं चलता, उल्टा होता है। ज़्यादा जो बड़ा हिस्सा है वो ऊपर जाता है, थोड़ा थोड़ा नीचे बांट दिया जाता है। खैर, इस केस की मैं पीछे की कहानी बताऊँ कि हुआ क्या था। असल में एक ट्रेडर है, मेडिकल इक्विपमेंट में डील करते हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनके दोस्त थे किसी टाइम में जलालुद्दीन सोलंकी, शायद उनके पास पहले काम करते थे। तो लॉकडाउन के बाद बड़ी उनकी माली हालत जो ठीक नहीं थी, इनके पास पहुंचते हैं, बोलते हैं भैया के या काम धंधा नहीं है, कुछ बड़ा काम करवाओ, मुझे भी चार पैसे बने और आपको भी फ़ायदा हो। तो उनका कहना था कि मेरे पास 15-20 गाड़ियाँ हैं, रेगुलर चलती हैं, RTO की जो वसूली है जो एंट्री के नाम पर ली जाती है उससे बेहद परेशान है, अगर तुम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि बात कर लो, सीधा संपर्क इन लोगों से कर लो, हमारे जो वसूली के पैसे हैं एंट्री के पैसे वो थोड़े कम हो जाएं, तो उसमें से 500 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा और तुम्हें भी 500 रुपये प्रत्येक गाड़ी मिल जाएगा, तो तुम्हारा भी घर का खर्चा अच्छा खासा चलता रहेगा। तो सोलंकी ने ये ऑफर जो थी वो इस ट्रेडर की मान ली और काम करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द ही वो इस काम में कामयाब हो गया। उसने लेकिन करा क्या कि 15-20 गाड़ियों के लिए तो उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा एंट्री में, तो उसने 10-15 और गाड़ियां साथ में जोड़ी, 40-50 का ग्रुप बनाया और लोग ढूंढे RTO डिपार्टमेंट के अंदर कौन जो इसका काम करते हैं, और रेट कम करवा लिया और अपना कमीशन बीच में से काट कर बाकी का पैसा वहां पर जमा करवाने लगा। और बहुत जल्दी सोलंकी को ये लगा कि यार ये तो काम बहुत अच्छा है, तो मैं और गाड़ियां जोड़ लूंगा, 100 गाड़ी जोड़ लूंगा, 200 गाड़ी जोड़ लूंगा, तो रेट में जो है डिस्काउंट और ज्यादा डिस्काउंट ले लूंगा और कमीशन जो है मेरा उतना ही ज्यादा बनता रहेगा। तो इसी से उत्साहित होकर जलालुद्दीन सोलंकी है वो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी मालिकों से बात करने लगे और उस तरीके से बार्गेनिंग करने लगे आगे के लोगों के हमारे पास तो जी 100 गाड़ी है, 200 गाड़ी है, बताओ कितना एंट्री आपको इकट्ठा दें, और बीच में से अपना कट लेने लगे। तो यही जो अपनी मार्केटिंग करते करते पहुंच गए वो कवर्धा, और वहां शंकर पाली नाम का जो व्यक्ति थे, शायद ट्रांसपोर्टर होंगे, गाड़ी मालिक होंगे, उनसे संपर्क किया, उन्होंने एक ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि और लोग साथ में जुड़ जाएंगे तो इस तरीके से बड़ा काफला बन जाएगा, बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो पुण्य का काम ही है मेरे हिसाब से कि अब रिश्वत लेने से जब बाज नहीं आ रहे हैं तो जो बिजनेसमैन है वो क्या करे, वो कोशिश करेगा कि भाई इकट्ठे हो जाओ, और बंद तो नहीं करवा सकते हैं, लो कम से कम डिस्काउंट तो ले लो। तो उस तरीके से देखा जाए तो क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर RTO कानून की नज़र में RTO पुलिस सब ठीक हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये भी कोई क्राइम नहीं है। खैर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, हम वैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। खैर, तो इस तरीके से ये मैसेज इस ग्रुप में पहुंचा और उसके बाद वायरल हुआ और उसके बाद पूरा बवाल हो गया। अब बवाल को शांत करना था, शांत करने के लिए क्या किया कि RTO डिपार्टमेंट की तरफ से खबरें छपवाई गई, अखबारों में छपी कि जी इन्वेस्टिगेशन हुई, 7-8 लोगों को बुलाया गया, गुप्त सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन की गई। सीक्रेट पता नहीं क्यों करते हैं इन्वेस्टिगेशन को, इसमें पाकिस्तान या चीन का मसला तो है नहीं। मेरे हिसाब से तो अगर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी तो एक लोक अदालत लगे, STC या RTO जो भी है वो बैठे पब्लिकली और सब लोगों को बुलाएं कि भाई बताओ कौन कौन वसूली देता था, कौन कौन एंट्री देता था, किसको देता था, और सबके सामने, मीडिया के सामने इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन क्यों? खैर, इस केस में भी वही हुआ जो हर केस में होता है कि उसको किस तरीके से लीपापोती की जाए। इस केस में भी ये जो केस था, ये SP कबीर धाम को ट्रांसफर कर दिया गया कि वो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो इसका दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट TV की टीम का संपर्क होता है SP कबीर धाम के साथ और उनसे तमाम चीजें हमने जानने की कोशिश की। SP कवर्धा बात कर रहे हैं? हाँ जी। आपके पास एक कोई इन्वेस्टिगेशन आपको सौंपी गई है रिगार्डिंग अ फॉरवर्ड मैसेज किसी ट्रांसपोर्ट ग्रुप के अंदर। सूचना मिली थी कि आपस में जो RTO एजेंट्स होते हैं और जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं
लोगों ने आपस में अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में इस टाइप की चैटिंग की थी, इसकी सूचना अधिकारियों को मिली थी, आरटीओ अधिकारियों को, तो उन लोगों ने कंप्लेन किया था इस बारे में जी। सूचना मिल रही है तो हम लोगों ने जहाँ से, क्योंकि कवर्धा के लोकल ग्रुप में भी ये चैटिंग हुई थी, यहाँ पे हमने बातचीत की थी जी। लेकिन सर जो फोटो इनकी तरफ से वायरल हो रही है वो बड़ा क्लियर बोल रही है कि आप सभी जहाँ कहीं भी आरटीओ की एंट्री करवा रहे थे, अब आपको वहाँ करवाने की जरूरत नहीं होगी, एक तारीख से आप इस नंबर के ऊपर संपर्क करें 4,000 रुपए में। दैट मीन्स अगर हम इसका दूसरा एंड देखें, इसका मतलब तो ये भी है कि एक इन्वेस्टिगेशन ये भी बनती है कि इससे पहले एंट्रीज इसका मतलब हो रही है, एक ऑर्गेनाइज लूट जो है वो तो चल ही रही है ना ऑलरेडी, उसके ऊपर कुछ। देखिए ये आरटीओ डिपार्टमेंट के बारे में इन लोगों ने लिखा होगा, ठीक है, ऐसा किसी के हो या ऐसा हो कि मतलब ऐसा किसी से पैसा लिया जा रहा है या वो किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास शिकायत अभी तक आ गई रहती है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी शिकायत, एटलीस्ट मेरे जिले में तो अभी तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई। ओके, तो अभी जो जिन लोगों से आपने स्टेटमेंट ली है तो उनका अभी क्या स्टेटस है उसके बाद, बिकॉज मैटर तो काफी रेज हुआ था और उन्होंने ये कह दिया कि अभी हम लोग वी वर जस्ट प्लानिंग, तो क्या एक्शन दिया जा रहा है उनके ऊपर अभी, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन इस मामले में जो इंक्वायरी है वो पूरी दोबारा फिर से हमने बुलवाया, क्योंकि हमने उनके सारे जो डिटेल्स वगैरह व्हाट्सएप चैट वगैरह सब कुछ हमने चेक किया, अपने तरीके से दोबारा से कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की, और जरूरत पड़ने पर दोबारा इनको बुलाया जाएगा ऐसा बोले। ओके चलिए, मतलब अभी तक कोई एक्शन इनकी भी स्टेटमेंट के ऊपर नहीं हो पाया। तो उन्होंने इस बात को माना कि हाँ इस तरीके से एक व्हाट्सएप मैसेज आया और ये बात वायरल हुई, तो उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि आरटीओ का जो अधिकारी है उनका इसमें रोल है या नहीं है, लेकिन जो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ऑलरेडी कर ली है उसके अंदर उन्होंने ये पाया कि ये जो मैसेज डाला था कि छत्तीसगढ़ पूरे का आप हमें दे सकते हो एंट्री और डिस्काउंट में मिलेगी, तो ये सब अभी प्लानिंग स्टेज में था। उनका कहना है कि ऐसा हो नहीं रहा था, ये तो जो है अभी प्लानिंग चल रही थी कि इस तरीके से होगा, इसलिए जो क्राइम हुआ ही नहीं तो उसलिए हम आरटीओ को दोषी कैसे करार दे सकते हैं। तो आप समझ गए एसपी साहब का इशारा कि कुछ भी होने वाला इसमें नहीं है। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि प्लानिंग स्टेज में था तो इसमें तो साफ साफ लिखा है कि आप सब लोग पहले अलग अलग संभागों जैसे रायपुर दुर्ग आदि आरटीओ के लिए अलग अलग एंट्री कराते थे, कराएंगे नहीं कराते थे, कम से कम इसी बात की जांच कर लो, कम से कम जिनके नाम आए हैं रायपुर दुर्ग इनसे तो वहां पर जो आरटीओ कर्मी वगैरह उन पे तो रेड वगैरह मार के चेक कर लो एसपी साहब। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई है हमें नहीं लग रहा कि इसमें कुछ होने वाला है, लीपापोती की तैयारी है और सभी जो इसके अंदर आरटीओ कर्मी शामिल हैं उनको बहुत जल्द क्लीन चिट दे दी जाए। तो कुल मिलाकर पोल तो खुली आरटीओ डिपार्टमेंट की, फायदा ले दे के कुछ नहीं हुआ है, उसी तरीके से सरगर्म हो जाते हैं तमाम डिपार्टमेंट और पुलिस के किस तरीके से अपने जो भाई बंधु हैं उनको बचाना है, किस तरीके से केस को रफा दफा करके ख़त्म करना है। कभी भी इतना बड़ा केस सामने आने के बाद भी कोई बड़ी तहकीकात, कोई 5-10 ऑफिसर को सस्पेंड किया हो, टर्मिनेट किया हो, बहुत रेयर हमारे देश में देखने को मिलता है। खैर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगे तो यूट्यूब पर अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में दो एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन, फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।